हेलो, वेलकम टू कंपटीशन। अब आज हम बात करने वाले हैं कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में। एक तो यूपीपीसीएस की रिक्रूटमेंट है एआरओ आरओ के लिए। सेकंड रिक्रूटमेंट है हमारी पंजाब बोर्ड के लिए है। पंजाब में वैकेंसी निकली हुई क्लर्कल लेवल की, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, और एक रिक्रूटमेंट और है उसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर हो, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यदि आप वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस की। ये जो पोस्ट है वो समीक्षा अधिकारी सहायक अधिकारी की पोस्ट है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म, मतलब आज इसका 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। इसकी लास्ट डेट है 25 तारीख तक आप इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं, और सबमिशन की 30 तारीख तक आपकी डेट है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट है, इस यहाँ तक ही आपको फ़ीस जमा करनी है। इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट कौन सी है, वो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है UPPCSC.UP.NIC.IN। इसकी जो एडवर्टीज़मेंट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी जो पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, ये सारी की सारी समीक्षा अधिकारी के लिए रिक्रूटमेंट है। और जो डिपार्टमेंट यूपी सेक्रेटरीट का डिपार्टमेंट है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे के सारे इसके डिपार्टमेंट हैं। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की क्या है, 100 रुपीज़ है अदर क्लास के लिए, आई मीन रिजर्व कैटेगरी के लिए, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए। बाकी सभी के लिए 40 रुपीज़ फ़ीस है। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए आपको, तो यदि आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो तो वो भी चलेगा, लेकिन वो डोएक सर्टिफाइड हो और ओ लेवल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस आपको हिंदी टाइपिंग भी आना चाहिए, वो भी कंपलसरी है इसमें, ठीक है। अब आप साथ साथ ये देखिएगा, यूपी सेक्रेटरीट की पोस्ट है ये सारी की सारी, अब सॉरी डिपार्टमेंट है ये, और ये समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। ये भी पोस्ट आपकी यहाँ से 3 से लेकर आप देखेंगे तो 5 तक जो भी पोस्ट है आपकी, सब में नॉर्मल ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है। ये जो पोस्ट है इसमें आपकी कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, आपको कोई भी टाइपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज, सॉरी कॉमर्स आपके बैकग्राउंड होना चाहिए, किसमें, ग्रेजुएशन में। 7 पे नंबर की जो पोस्ट है उसमें आपके पास हिंदी होनी चाहिए, ये भी समीक्षा अधिकारी यूपी सेक्रेटरीट की पोस्ट है, आपने हिंदी लिटरेचर से बीए किया होना चाहिए आपको। 8 नंबर की जो पोस्ट है वो आपकी बैचलर डिग्री है, वो आपकी अरेबिक लिटरेचर और पर्टिकुलर इस फील्ड में होना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, सॉरी क्या पेपर का एग्ज़ाम होगा। पेपर आपका 2 टाइप में होगा, एक तो प्री होगा आपका और दूसरा मेंस होगा। प्री की बात करते हैं अभी हम, सॉरी प्री जो आपका होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें 140 मार्क्स की आपकी क्या होगी, जीएस होगी, और 60 मार्क्स का आपका क्या होगा, हिंदी होगी। ये आपकी दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग बच्चे बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, यदि उन्होंने अभी इस टाइम पे एमपीपीएससी का भी फॉर्म निकला हुआ है, तो वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी है। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। वो भी एमपीपीएससी का भी फॉर्म फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी 200 के करीबन पोस्ट अभी निकली हुई है। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं अब हम। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन की, ये वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे ये जो वैकेंसी है आपके सामने है, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 21/12 है, मतलब 21 दिसंबर है, और लास्ट डेट है आपकी 11/1 11 जनवरी। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई है, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन्होंने बीसीए वगैरह या बीटेक वगैरह भी किया वो भी एप्लीकेबल है इसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ या फिर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये जो ग्रेड पे है वो 3400 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब आप देखेंगे इसमें जो पोस्ट है वो 330 पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की है सारी की सारी पोस्ट, ये आपकी 330 पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की है। बट इसमें एक चीज़ कंपलसरी है, ये जो पोस्ट है वो केवल वही लोग फिल कर सकते हैं जिन लोगों के पास, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे जनरल 108 वैकेंसी, 214, और फिर बैकलॉग की वैकेंसी भी है, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी भी है, ठीक है, बैकलॉग और ये सब है वैकेंसी, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास पंजाबी नॉलेज होना कंपलसरी, मतलब पंजाबी जो लैंग्वेज होती है वो एसेंशियली है, कब तक, जब आपने 12th पास किया हो, आपके पास 12th स्टैंडर्ड में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होना कंपलसरी है। तो ये वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जो
प्रॉपर पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लुधियाना वगैरह से, तो उनके पास हो सकता है कि 12th स्टैंडर्ड में उनके पास वहाँ पे एक सब्जेक्ट हो पंजाबी का, तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही वैकेंसी है अभी की डेट में। इसके साथ साथ जो बंदे यूपी और बिहार के हैं वो लोग स्पेशली, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, काफ़ी सालों बाद निकली है, तो उसे बिल्कुल फिल कीजिएगा। कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, उसमें दो टाइप में ऑब्जेक्टिव और प्री में एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच टू गिव ए वैल्यूबल टाइम। यदि आपको कोई भी इशू हुआ हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।